गाड़ियां साथ चल रही हैं स्नो क्लीन करने वाली। ओए होए होए, वो देखो वो गिरा पड़ा भाई साहब, देखो कैसे हवा चल रही है, पूरा दरवाजा फ्रोजन है। तो हर कोई स्लो स्लो चलता है इस मौसम में। हर साल की तरह स्टॉर्म आ चुका है और अभी स्टॉर्म का ये पहला दिन है, दो दिन का स्टॉर्म है, बहुत तगड़ा। एंड सैस्कातून ऑल थ्रू सेंट्रल सस्कैचुआन इज ब्रेसिंग फॉर द स्टॉर्म। इसी बात पे वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। ऑफिस से आज हर कोई जल्दी जल्दी भागा है कि घर पहुंचे टाइम से बिफोर हाईवेज गेट बैड। हालत बहुत ज्यादा खराब है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हाईवे पे, आप हवा देख रहे हैं, ब्लोइंग स्नो एंड हवा को देख लो। मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ मार्टिन्सविल एग्जिट से, ये कुछ मीटर की दूरी में रह गया हूँ बस। हियर वी गो, मैं एग्जिट हो रहा हूँ हाईवे से, विच इज अ गुड साइन। बट देखो ब्लोइंग स्नो की वजह से जो विजिबिलिटी है बहुत ही कम होती जा रही है। मैंने दो दिन पहले ही अपना स्नो ब्लोवर सेट कर लिया था क्योंकि अब उसी की जरूरत पड़नी है, छोटे स्नो ब्लोवर से काम नहीं चलना। हर साल होता है, इस साल हमारा जो टाइम है ना वो काफी अच्छा निकल गया अब तक का, लेकिन ये तो होना ही था। और इस वीक मैंने दो दिन ऑफिस जाना था एंड स्टॉर्म आज आया है। मेरा सेकंड डे ऑफ वर्क था आज फ्रॉम ऑफिस। अब रेस्ट ऑफ द वीक आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम विच इज गुड, सो आई कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन शवलिंग घर पे। हालत काफी खराब है, आज रेडियो पे आ गया हुआ है वार्निंग, सो स्नोफॉल वार्निंग है। ये स्टॉर्म अल्बर्टा की तरफ से आ रहा है, अबाउट 15 सेंटीमीटर की स्नो हमारे लिए लेके आ रहा है। सो कहते हैं ना कि बस कमर की पेटी बांध लीजिए, वही हिसाब हमारा हो चुका है। पिछले हफ्ते भी तीन दिन स्नो पड़ी थी, आपने वीडियो में देखा ही होगा। अब इस हफ्ते भी स्नो फिर से पड़ने लगी है, लेकिन ये दिस इज अ बिग वन, 15-20 सेंटीमीटर स्नो इज ऑन द वे। विंटर में ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम पता क्या होता है, ड्राइविंग। इट इज मतलब मुश्किल भी नहीं मैं कहूंगा, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। अगर आपको विंटर में ऐसे मौसम में ड्राइव करना पड़ता है ना तो स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कोशिश हम यही करते हैं कि ऐसे मौसम में वार्निंग अगर आई हुई है अपने वर्क प्लेस पे बता दो, सो यू गेट अवे। आज हमारे ऑफिस में लोग जल्दी निकलना शुरू हो गए थे क्योंकि सबको पता ही है कि जो जो दूर रहता है उसको उन्होंने बोला हुआ था कि अगर लीव वेन एवर यू फील इट सेफ फॉर यू टू गो गो, बिकॉज बिफोर द हाईवेज गो बैड सारे बंदे अपने अपने घर पहुंच जाओ तो ज्यादा अच्छा है। कई लोग हमारे ऑफिस में ऐसे हैं जो दूर दूर रहते हैं, सैस्कातून सिटी के बाहर रहते हैं, तो इसीलिए एडवाइजेबल यही था कि टाइम से निकल लो। मैं भी आज आधा घंटा जल्दी निकल गया था, फिर भी मैं ना एक घंटा लग गया मेरे को ऑलमोस्ट आने में, 40 मिनट के करीब, 10 मिनट की वॉक थी फ्रॉम वेयर आई वर्क टू वेयर आई पार्क, 10 मिनट वॉक करके आया। तो हर कोई स्लो स्लो चलता है इस मौसम में, बट आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू लाइक स्टिल मेक इट ऑन टाइम। घर आ गए हैं अब टाइम से बस। और ना बड़े दिनों बाद कल रविंदर सिंह जी आए थे, तो मैंने उनका वो यूट्यूब पे मैंने सेव कर लिया था, उनका जो आया टेलीकास्ट आशा दीवार, मैं वही सुन रहा हूँ। मतलब मजा ही आ गया, वही सुबह भी सुनता हुआ क्या था, अभी भी सुनता हुआ ही आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आपसे बात करते करते वीडियो पे ना वार्निंग आई है, स्नोफॉल वार्निंग, हैवी स्नो एक्सपेक्टेड। सो ये चीजें नवंबर में होनी थी जो नहीं हुई, हम लकी हो गए और आज जनवरी के बीच में जाके ऐसा हो रहा है। चलो जितने दिन अच्छे निकल गए, लेकिन ये तो होना ही था। सस्कैचुआन का हर रेसिडेंट इस टाइम पे जो आके ना कलपता ही कलपता है कि यार हम कहाँ रहते हैं। मैंने मन्नू को भी फोन किया, अभी मैंने उसको बोला भाई लेट ना करियो, टाइम से आ जियो। वो जनरली अपनी शिफ्ट के बाद ऊबर चलाता रहता है, तो मैंने उसको बोला आज ऊबर ना चला, टाइम से घर पहुंच, क्योंकि जितनी जल्दी घर पहुंच जाओगे ना आज नेहरा होने से पहले पहले घर पहुंच जाओ तो इट्स गुड, बिकॉज जैसे ही डार्क होगा ना विजिबिलिटी और खराब हो जाएगी। सो कहता ठीक है मैं आ जाऊंगा इसके बाद। रब दा बड़ा शुक्र पहुंच गए जी ठीक ठाक। कहते हैं हर दिन जो आपका अच्छा निकल जाए ना, यहाँ अगर आपकी ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कहीं भी आपकी वढ़ियाई हुई है, तो उसका जो है ना श्रेय अपने आप पे ना लेके अपने आप पे श्रेय लो ना, तो अहंकार हो जाता बंदे को। बंदा कहता है जो भी अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में ना ये उदा करम है, कभी अपने पे मत लो कि ये मेरी वजह से अच्छा हुआ है। से इस करके आज अगर अच्छा दिन निकल गया, ठीक ठाक घर पहुंच गए हैं, तो उदा करम है। चले जी अंदर सामान उठा लें। तो ये देखो गाड़ी बिल्कुल सही लगी है, इसी के लिए मैं वेट कर रहा था, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा रहा था लगाने में। ये मैट के ऊपर आ जाए दोनों टायर यहाँ से फर्स्ट क्लास, क्योंकि फिर ना फ्लोर गीला नहीं होएगा। आराम से पूरी गाड़ी सही लगी है, ये गाड़ी ना थोड़ी उधर से बाहर होगी, दैट्स ओके।
तो ये ना आर्या अपनी कोडिंग की क्लास कर रही है, वेरी नाइस, वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। तो आर्या को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, शी इज़ लर्निंग इन द फन मोड। तो जब बच्चा उसको फन की तरह लेता है ना, तो उसका पढ़ाई नहीं लगती फिर। लाइक वी आर डूइंग कपल क्लासेस फॉर आर्या, हमने ड्राइंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, सो दे आर वेरी नाइस। वी हैव सीन दैट इम्प्रूवमेंट आर्या के ना प्रोग्रेस में। The teachers are very good. The founder, who's actually the institute, inka bahut acha hai. So you know, they work towards your flexible schedule. They give you that flexibility, aur aap subah ya sham, kyunki Canada time aur India time ke hisab se they can choose whatever you know, aapki sahuliyat ke hisab se they work and you can choose it accordingly. इनकी डेमो क्लास भी होती है व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट एनी कोर्स, तो वो पहले आपको डेमो क्लास देते हैं और अगर आपको डेमो क्लास अच्छी लगे देन दे प्रोसीड फॉरवर्ड। जो आपको ज़रूरत है, जो आपके बच्चे को ज़रूरत है, उस हिसाब से दे वर्क एज पर योर नीड्स। तो हमें तो बहुत सेटिस्फैक्शन है, दे हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सपीरियंस स्पीक्स इन देयर सर्विस, तो बहुत अच्छा है, हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं। अगर आप लोग को भी ट्राई आउट करना हो अपने किड्स के लिए तो ज़रूर जाके चेकआउट करना, मैंने डिटेल्स छोड़ दी हैं नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, गो डू चेक इट आउट एंड ट्राई इट आउट फॉर योर किड। लो जी घर आ गए, हाउ वाज योर स्कूल? ओके, सो भाइयों मैंने ना स्विच कर लिया वर्जिन मोबाइल पे, पहले मैं था उस पे टेलस पे, तो ना उस पे क्या था कि इस पे डील निकली थी बॉक्सिंग डे पे इनकी बड़ी तगड़ी, $34 में 50 GB का प्लान। तो मैंने कहा यार क्यों ना स्विच कर ले, पहले मैं दे रहा था 60, अब हो गया 30-35 में 50 GB। हमें वैसे डेटा ज़्यादा चाहिए नहीं होता, क्योंकि होते तो घर ही हैं हमेशा, ऑफिस में भी वाईफाई, घर में भी वाईफाई, बस डेटा जब चाहिए होता है जब ट्रिप पे जाते हैं, पर 50 GB उसके लिए बहुत है, नहीं तो तब बंदा प्लान चेंज भी कर लेता है। वर्जिन के प्लान बड़े अच्छे हैं, आप चेक करना, और इनका नेटवर्क भी अच्छा है वर्जिन मोबाइल का। मेरा ना दिल के बड़ा करीब है, क्यों पता है? क्योंकि मैं वर्जिन मोबाइल में काम करता था, इनबाउंड कस्टमर सर्विस में मैं वर्जिन मोबाइल में काम करता था। टोरंटो में SP डेटा नाम का कंपनी है, जो कॉल सेंटर है वहां मैं काम करता था इनके साथ। तो पहले वर्जिन के नाम से बेल यहाँ पे ऑपरेट करता था, फिर टेलस भी यहाँ पे बाद में आया है। बहुत ये लोग ये जो है कूडो रॉजर्स ये तो बहुत ही बाद में आए हैं, अच्छा नेटवर्क है बड़ा। तो पहले यूज करा ही हुआ था मैंने, जैसे ही मैंने प्लान देखा, वो करते हैं ना आपको, आप पुराने कस्टमर होते हो तो आपको ईमेल देके बताते हैं कि ये वाला प्लान हमारा अच्छा आया है, तो दे गॉट मी बैक। चिली पनीर बन गया भाइयों बहनों, घर का पनीर है 70% घर का है, 30% बाहर। परसेंटेज बड़ी सही बताती है नेहा, तो वैसे कभी अपनी तबीयत की भी परसेंटेज। राजमा लेफ्ट ओवर है कल के और पनीर, भूख लग रही है सब्जी, जैसे जैसे खुशबू आती है भूख बढ़ती जाती है। अभी बस तैयार हो जाएगा 10 मिनट। थैंक यू, बना लो 2 फुलके मेरे, मैं तब तक एडिटिंग कराता हूँ थोड़ी। रोटी रोटी रोटी, देखो दरवाजे, दरवाजा फ्रीज हुआ पड़ा ना भाई साहब, ये देखो हालत, ये देखो पूरा दरवाजा फ्रोजन है ये। अब अगर इसके हम खोला ना टूट जाएगा। हाँ ये फायदा होता है देखो, अब ये जो है ना, नहीं तो ये सारी जो फ्रीज जो यहाँ हो जाती, ये देखो अब ये ठंडा नहीं है ज्यादा, बाहर से तो ठंडा है, अंदर से देखो, अंदर से कितना नॉर्मल है, देख है ना। तो ना ये विंटर की आप एक हमसे टिप ले लो, तो मतलब अगर आपने ना, अगर आप ऐसे रहते हो ना कि एकदम एक ही दरवाजा है पैटियो डोर फ्रंट डोर, इसके आगे स्टॉर्म डोर लगाने से ना ठंड को आप बाहर रख सकोगे, अंदर गर्माइश ज्यादा अच्छी असर करेगी, बार बार हीटर नहीं चलेगा घर का, बिजली का बिल भी और हीटिंग का बिल भी कम आएगा, और अंदर गर्माइश बनी रहेगी स्टॉर्म डोर लगाने से। सो कोशिश करें कि स्टॉर्म डोर अपना होम डिपो से मिल जाता है, बहुत सच में इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, नहीं तो ये डोर खराब होने लग जाते हैं, डोर फूल जाते हैं ठंड की वजह से ना, मॉइस्चर इनमें बढ़ जाता है, वेदर स्ट्रिपिंग खराब हो जाती है। क्यों नेहा जी, हमारी तो अंदर तक आ जाती थी स्नो। हाँ अंदर तक दरवाजों पे नीचे दरवाजा तो ही नहीं, और ये ना ये लॉक्स पूरा पूरा जम जाते थे, ये पूरा जम जाता था, तो इसलिए ना ये नीचे वाला भी जम जाता था। हाँ बाकी स्टॉर्म की सिचुएशन तो बैड पे बैड होती जा रही है, लोग सिटी से लिख रहे हैं ग्रुप्स में इनके कि भैया वहां तो पावर आउटेज हो रही है, पावर आउटेज ना हो जाए इस वजह से, हम फटाफट रोटी वोटी तो चलो हमारी बन गई आप खा ही लेंगे, लेकिन पावर आउटेज सर्दी में हो जाए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। राजमा लेफ्ट ओवर आपको बताया था, चिली पनीर अभी बन गया, तो अभी रोटी खाएंगे, बड़ी तेज भूख लग रही है। यू डोंट ट्राई टू स्केयर मी, खाना खा के उठे हैं, हालत देख लो, उधर देखो उधर से आ रही है हवा, देखो देखो कैसे हवा चल रही है ना, इसमें दिख रहा है ना लाइट के पास से,
हमारे साइड में साइड पे हमारे पड़ोसियों का कितना बुरा हाल चल रहा है। हमारे यहाँ भी आ गई है इधर सारी, ये इधर दरवाजा ब्लॉक कर और वो बहुत तेज चल पड़ी है हवा। भैया आ गया वही टाइम, वो देखो ये सारी इकट्ठी हो रही है यहाँ पे ना सुबह करना। गाड़ी कैसे निकलेगी सुबह बच्ची के लिए जब बच्ची ने स्कूल पे जाना है। गुड मॉर्निंग जी, सेम वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग। तूफान के बाद वाली शांति हो गई है, तूफान थम गया रात को। क्या क्या आपको नज़ारा दिखाएंगे, काफ़ी काफ़ी स्नो पड़ गई, स्नो ब्लोअर चलाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं तो काम करना स्टार्ट हो गया हूँ ऑफिस का, आर्या को छोड़ने जाना है अभी स्कूल ना, स्कूल तो बंद नहीं होना। उन्होंने तो एक लास्ट ईयर आई थिंक कपल ईयर से को 2 या 3 साल हो गए, एक बार इतनी गंदी स्नोफॉल हुई थी कि स्कूल्स ने बोल दिया था शटडाउन। अब आज तो स्कूल की ऐसी कोई कम्युनिकेशन अभी नहीं आई है, और आई डोंट थिंक बंद होना है। इतनी तो स्नो नहीं थी, 10-15 सेंटीमीटर तो हमारी आम पड़ जाती है। इतनी स्नो ऑन्टेरियो वगैरह में पड़े ना और बीसी में पड़े तो हाहाकार मच जाती है, न्यूज़ आती है। हमारे यहाँ बेचारी न्यूज़ ही नहीं आती, क्यों? क्योंकि हम छोटे कहते हैं ना, छोटे लोगों की न्यूज़ तो बनती नहीं, और हमारे यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। रात को लोग की 12 बजे 1 बजे मेरी नींद खुली, तब लोग अपना भाई स्नो ब्लोअर चला रहे थे रात को। उनको लग रहा था सवेरे ड्राइववे क्लीन होना चाहिए ना गाड़ी निकालने के लिए। हमने चलो ऐसे अभी फिलहाल ऊपर से निकाल लेंगे, एंड देन आके फिर लंच टाइम में लंच टाइम में स्नो ब्लोअर स्टार्ट करके क्लीन कर देंगे स्नो। अभी जरा काम पे लगते हैं। समय हो गया अबाउट 8:30, आर्या को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। गैराज खोलेंगे तो देखेंगे कितनी स्नो है, गाड़ी निकल जानी चाहिए। ब्यूविक तो ऊंची है थोड़ी, नहीं तो शॉवल करना पड़ेगा सवेरे सवेरे। फाइनली टाइम आ गया स्कूल छोड़ने का। ओ ओ ओ, आधा ड्राइववे तो साफ है, दैट्स पॉजिटिव। वो देखो वो गिरा पड़ा भाई साहब, ओए होए, इसको उठा के रखना पड़ेगा। ओहो उसमें स्नो ही बढ़ गई है भाई साहब, स्नो बड़ी बढ़ी है इसमें। आज गार्बेज जाना है तो ये बिन आगे रखना पड़ेगा, इधर बहुत स्नो है। बट चलो ये गड्डी तो निकल ही आएगी, बाद में करते हैं आके शवल। इधर काफ़ी स्नो है यहाँ, सभी ऐसे ही छोड़ जाते हैं। क्या कह रहा है बेटा? डोंट बी लेट, यू आर लेट, यू आर। ओ भाई साहब बहुत ठंड है, -30 है बाहर इस वेले। बेस्ट डे एवर भाई साहब, स्नो में ऐसे गड़ 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 करती हुई निकल रही है। देखो गड्ढे, ओए होए होए, बट कर गए हैं थोड़ा बहुत ना साफ यहाँ पे।